सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी बेबी की फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग। ये हम 8 या 10 साल की बेबी की फ्रॉक बना रहे हैं। तो हमने कपड़ा लिया है वो 1.5 मीटर है और ये कपड़ा टॉप के लिए अलग से लिया है। तो हमारी जो फ्रॉक की लंबाई है 34 लंबाई है, चेस्ट है वो 30 है, टॉप की लंबाई आप जितनी रखना चाहें 12 या 15 उतनी आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 1.5 मीटर कपड़ा है तो इसमें घेर निकालेंगे, नीचे का घेर। तो यहाँ पे कपड़ा हमारा डबल है। अब यहाँ से हम इसको तिरछा करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम गोलाई का शेप लगा देंगे इस तरीके से नीचे की साइड से। अभी हमारा नीचे का गोलाई का शेप हो गया। अभी हमारी बगली की साइड है, यहाँ से हम लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पे पहले हम ऊपर से चौड़ाई का नाप लेंगे। तो जैसे हमारी चेस्ट है 30, तो यहाँ पे हम 8 इंच रखेंगे चौड़ाई में, ऊपर की साइड 8 इंच रखेंगे। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और इसको इंची टेप को हम इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा करेंगे जिससे हमारा यहाँ पे थोड़ा शेप हो जाएगा तिरछा। अब इसकी यहाँ से लंबाई का नाप लेंगे। तो इसकी यहाँ पे लंबाई है वो 22 है। अब इसको हम इस तरीके से तिरछा, नीचे की साइड हमने थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा लिया है और ऊपर की साइड इस तरीके से तिरछा काटेंगे। अब यहाँ पे हमारी एक चौड़ाई 10 इंच की चौड़ाई हो गई। यहाँ से बराबर करेंगे छोटा बड़ा कपड़ा। अब देखिए ये हमारा नीचे का घेर हो गया। अब हमें टॉप की टॉप निकालना है। अब जैसे हमारी चेस्ट 30 है तो यहाँ पे हम 15 पे निशान लगा देंगे। ये हमारा चेस्ट हो गया 15, एक पल्ला 15 और दूसरी साइड भी 15, तो ये 30 हो गया। और यहाँ पे हमें 2.5 इंच हमने कपड़े को अलग से ज्यादा लिया है गुंजाइश के लिए। अब इसकी लंबाई है 12 इंच की, तो हम इसको जैसे 15 इंच लंबाई में करना चाहें तो 15 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कपड़ा हमारा डबल है। अब इसी के बराबर हमें कपड़े को लेंगे। अब यहाँ पे हमने ऊपर के लिए, अब यहाँ पे इसकी जो लंबाई हमें 15 चाहिए तो हमने 16 लिया है। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में आधा इंच जाएगा, आधा इंच यहाँ पे जाएगा, तो ये हमारा पूरा तैयार 15 हो जा। अब इसको हम डबल करेंगे। इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे हम। अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे 6 इंच के, आरोमर वो भी 6 इंच, और इसको हम चौगुटा पहले यहाँ पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गोलाई का सेप। अभी 6 इंच हमने शोल्डर लिए है, 6 इंच के आरोमर है और इसको हम यहाँ पे गोलाई का सेप। अब उसकी कटिंग करें। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे वो 3 इंच की लेंगे, गले की चौड़ाई 3 इंच की, गले की लंबाई वो 3.5 इंच। अब इसमें हम पहले चौकुटा निशान लगाएंगे उसके बाद यहाँ से गोलाई का सेप।
अब नीचे की साइड भी हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे, जो बगली की साइड है हमारा खुला वाला, यहाँ से हमें इस तरीके से निशान लगा। अब पहले हम यहाँ पे गले से गले की कटिंग करेंगे। आधा इंच हम यहाँ पर कमर पे भी कटिंग कर देंगे। अभी हो गया हमारा टॉप, यहाँ से हम दोनों पलड़ों को अलग करेंगे और एक कपड़े को यहाँ से तिरछा करके गले पे पट्टी लगाएंगे। इसकी चौड़ाई लेंगे हम 1.5 इंच की पट्टी की। अब ये पट्टियां हो गई। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे, तो बाजू के लिए हमें कपड़े को डबल करना है। अब हम बाजू की जैसे लंबाई लेंगे, तो 4 इंच की लेना चाहे या 5 इंच की, उतनी हम लंबाई ले लें। तो हम यहाँ पे बाजू की लंबाई 5 इंच की लेंगे और यहाँ पे जो हमारे खुली वाली साइड है यहाँ पे हम 2 इंच रखेंगे और इसको हम इस तरीके से निशान लगाएंगे बाजू की कटिंग का। 2 इंच हमने यहाँ पे लिया है क्योंकि हम इसकी फूली बाजू बनाएंगे चुन्नट वाली। अब बेल्ट के लिए कपड़ा लेंगे, तो हम 2 इंच की चौड़ाई लेंगे। अभी हमारी दोनों साइड की बेल्ट हो जाएगी। अभी हमारा टॉप है और ये हमारा नीचे का घेर है, इसको हमें इस तरीके से जोड़ना है। ये हो गया हमारा टॉप, ये नीचे का घेर हो गया। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग अगली वीडियो में बताऊंगी। हमारी स्टिचिंग आप जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।